चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहां पर एसएससी जीडी का 2013 का यहां पर सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। दोस्तों आप ध्यानपूर्वक यहां पर देखेंगे हमारे क्वेश्चन पेपर को। दोस्तों हमने पार्ट नंबर 1 से लिया है और हम पार्ट नंबर 2 में यहाँ पर बचे हुए क्वेश्चन को बताएंगे इनके। ये हमारा 2013 में जो हमारी परीक्षा हुई थी दोस्तों के यहाँ पर बेहतरीन वाले क्वेश्चन हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। दोस्तों इसमें हमारे जीके और जीएस दोनों ही क्वेश्चन हैं, तो आप इनको देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हास्य गैस का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों हमारी जो हास्य गैस होती है जिसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, तो दोस्तों उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। वो हमारा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड होता है, अर्थात फॉर्मूला हमारा N2O होता है। दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। अब क्या रीज़न है इसका आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर दिया है, उसे रोज़ाना साफ करना मुश्किल होता है, या फिर काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, या फिर काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, या फिर काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। दोस्तों जो आपकी काली सतह जो होती है वो ऊष्मा की क्या होती है, अच्छी अवशोषक होती है, अर्थात वो ऊष्मा को क्या करती है, अच्छी तरह शोषण करती है। दोस्तों ऊष्मा का मान लीजिए आपका यहाँ पर काली यहाँ पर बर्तन की सतह है और जो आग यहाँ पर जाएगी दोस्तों, तो ये ऊष्मा को क्या करेगी, शोषण करेगी ऊष्मा का, और खाना जल्दी पकेगा, तो तब दोस्तों उनकी जो सतह होती है वो काली छोड़ी जाती है। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों काला कपड़ा पहनने पर, यहाँ पर ठंडे के दिनों में काला कपड़ा पहनना अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो हमारा गर्मी का क्या करता है, शोषण करता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। अब दोस्तों हमें बताने कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आपने देखा होगा नीला रंग आपको दिखाई देता है, लेकिन रीजन क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों पहला दिया आपको परावर्तन, अपवर्तन और लघुतम तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन या फिर विखंडन। दोस्तों परावर्तन भी नहीं होगा, अपवर्तन भी नहीं होगा, लघुतम तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन होता है दोस्तों, क्योंकि प्रकीर्णन के कारण ही दोस्तों जो नीला रंग है, नीला रंग वहाँ पर हमें दिखाई देता आकाश का, क्योंकि जो लघुतम यहाँ पर जो नीले रंग की होती है तरंग दैर्ध्य की होती है लघुतम होती है दोस्तों, और जो उसका प्रकीर्णन होता है ज़्यादा होता है, तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, GUI किसका संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त मतलब दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है, काहे का शॉर्ट फॉर्म है ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला आपको दिया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरैक्शन, या फिर ग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन, या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये हमारा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। तो ये फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जाता है, आप ध्यानपूर्वक याद रख लेंगे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। देखिए हमारे शरीर के अंग में पीलिया रोग कौन से वाले अंगों को अधिकांश प्रभावित करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। हृदय को करता है, यकृत को करता है, प्लीहा को करता है, या फिर पित्त पित्ताशय को करता है। ये दोस्तों हमारे यकृत को प्रभावित करता है, जो पीलिया का रोग है वो यकृत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो ये आप यहाँ पर बी वाला टिक कर देंगे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन, आवधिक सारणी में निम्न में कौन सी धातु सबसे भारी होती है। दोस्तों जो हमारी यहाँ पर आवर्त सारणी है उसमें आपको यहाँ पर बताना है कौन सी वाली धातु सबसे भारी है इनमें से। आपको यहाँ पर OS दिया है, PT दिया है, PV दिया और W दिया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा लेड, प्लेटिनियम और ये W तो हमारे यहाँ पर हल्के होते हैं, OS हमारे यहाँ पर इनके कंपेयर में सबसे भारी होता है दोस्तों, तो यहाँ पर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है। भांगड़ा दोस्तों हमारा दिल्ली का नहीं होता, हरियाणा का नहीं होता, राजस्थान का नहीं होता, पंजाब का होता है, तो पंजाब का जो नृत्य है दोस्तों वो आपका भांगड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। और डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, ये दोस्तों आपका गुजरात का होता है, पहला ही वाला आपका दिख रहा है, तो गुजरात का होता है। आपने यहाँ पर देखा दो आपके यहाँ पर लोक नृत्य वाले क्वेश्चन आपके आए हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए 2013 में दो लोक नृत्य वाले क्वेश्चन आए, तो आपको इनको तैयार करना है इस तरह के क्वेश्चनों को भी,
जो आपके देश आपके यहाँ पर राज्य का है वो तो आपको पता होना ही चाहिए और अन्य राज्यों का भी पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको यहाँ पर अभी यहाँ पर गुजरात का आया है, मान लीजिए आपको अगली बार में हरियाणा का आ जाएगा, या फिर आपको उत्तराखंड का आ जाएगा, या फिर आपको उत्तर प्रदेश का आ जाएगा, तो उनके भी आपको लोक नृत्य पता होने चाहिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है या कौन थे। दोस्तों देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो हमारा नाट्य शास्त्र है वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, जो एक नाटक के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है दोस्तों हमारे यहाँ पर देश की। तो दोस्तों इसकी जो रचना की थी वो भरत मुनि जी ने की थी, तो भरत मुनि पहला ही वाला आपका ऑप्शन दिख रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे या हैं। दोस्तों देखिए जो हमारे वर्धमान महावीर हैं, आपने देखा होगा, आपको पता होगा, जो हमारे जैन धर्म के क्या थे, प्रवर्तक थे, तो उनका और क्या नाम था जो प्रसिद्ध था वो आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों उनका नाम जेना और जैन उनको बोला जाता था, तो जैन नाम से उनको यहाँ पर प्रसिद्धि मिली थी, तो जेना या फिर आप जैन बोल देंगे, जो काफी उनका विख्यात नाम था, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों जो हमारी रणजी ट्रॉफी होती है, इसका जो संबंध होता है वो हमारा क्रिकेट से होता है दोस्तों, तो क्रिकेट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका अवश्य ही यहाँ पर ट्रॉफी वाला आता है, कोई भी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी हो या फिर कोई अन्य पुरस्कार हो, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये पुरस्कार किससे संबंधित है। मान लीजिए आपको नोबल आ गया, नोबल पुरस्कार बोलेंगे किससे संबंधित है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारे पुरस्कार क्या क्या होते हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अब दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारा भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद है, ये आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों हमारा देहरादून में स्थित है, देहरादून जो हमारा उत्तराखंड में है, तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है, नहीं होता है आपको बताना है। दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर ग्राउंडन ऑयल है और मटर ऑयल है और बटर मिल्क है, इन तीनों में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, तो इन तीनों में कोलेस्ट्रॉल होता है। यहाँ पर केवल आइसक्रीम है, आइसक्रीम में यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, आइसक्रीम जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में होता है या फिर किसके अधीन होता है। दोस्तों जो हमारा जिला न्यायाधीश होता है वो उच्च न्यायालय के यहाँ पर अधीन होता है, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय के अधीन जिला का न्यायाधीश होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, अगला या फिर हम कहें अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए दोस्तों हमारी जो योजनाएं चलती हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं, तो उन योजनाओं का महत्व होता है कि हमारा ये योजना हमारी इसके लिए है। दोस्तों हर एक योजना में हमारे कुछ टारगेट वहां पर बनाए जाते हैं कि हमें इतना टारगेट अचीव करना है और मुख्य बिंदुओं पर हमें ये काम करना है। मान लीजिए कोई यहाँ पर योजना है जिसका मकसद है हमें अपने देश में शिक्षा को इतना प्रतिशत करना है, तो कौन सी वाली यहाँ पर योजना इस तरह की थी, जो आत्मनिर्भरता जिसका मुख्य उद्देश्य था, तो दोस्तों चौथी वाली योजना थी जिसका उद्देश्य मुख्य यहाँ पर आत्मनिर्भरता था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमारे, जो हमारे जीके और जीएस के क्वेश्चन थे, ये हमारे 2013 में क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों आपको इन क्वेश्चन को देखना है और चिंतन करना है दोस्तों, इसके आधार पर ही इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको देखना है कि हमारे किस तरह के एग्जाम में आते हैं, और ये आपके आने वाले जो आपका अभी 2018 में या फिर 19 में जो एग्जाम होगा दोस्तों SSC GD का, उसमें आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो इसको आप इनको तैयार कर लेंगे, और हम इस तरह के अन्य बचे हुए क्वेश्चनों को भी आपको बताते जाएंगे लगातार, हमारे साथ यही बने रहेगा दोस्तों। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक्स।